पूरा का पूरा एक क्लॉक बना हुआ है सन डायल जिससे आप टाइम देख सकते हैं। ओके इधर जो व्हाइट मार्बल आप देख रहे हैं हाँ, ये वाला सुबह का टाइम है, ये वाला अच्छा है मॉर्निंग। ओके इधर कौन सा टाइम हो गया इवनिंग, इवनिंग खा हुआ है यानी एक बज गया। ओके इधर दो इधर तीन बज गया हाँ। अब तीन बज के ये है 5 मिनट का लाइन हाँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38 अच्छा तो ये घड़ी आपको टाइम बता रहा 3:38 ये हमें जो टाइम बता रहा है ये जयपुर का टाइम है। अच्छा दिस इज अ लोकल टाइम। अच्छा यही टाइम चल रहा है घड़ी में, बट अपने जो घड़ियों का जो टाइम है ना सर हाँ। वो टाइम होगा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके तो इंडिया के टाइम में और जयपुर के टाइम में क्या होगा डिफरेंट होगा, कितने मिनट का डिफरेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है सर देखो 40 मिनट। चालीस मिनट ओके ओके कितना हो गया सर 38 प्लस 40 प्लस 40 तो योगा 4:18 आपकी घड़ी का टाइम होना चाहिए। देखना जरा 4:18 सही है करेक्ट एकदम सेकंड। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सैमिंदा ब्लॉग में, आपका भाई लेके आ चुका है एक और शानदार नया वीडियो। तो तुम्हारा भाई आज आपको लेके जाने वाला है जंतर मंत्र अपनी मैडम के साथ। तो मैडम आ रहा हूँ, ये रही अपनी मैडम से हेलो हेलो तो बोलना है कितना जितना तुम्हारी इच्छा करे उतना बोलो। नहीं 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 ये सबका भी लोग है, आप लोगों का भी लोग है। तो दोस्तों चलते हैं लेके आपको, तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और ये रही अपनी रानी बिचारी, साफ करो पहले इसको। तो ये हमारी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा दादी है दादी, हमारी अम्मा लगे देख भाई को चढ़ा तो जाता नहीं बट तुम्हें सही लगे मेरे मुझे बदमाश लगे मैं नका दूँगा सही नहीं हो हम बदमाश हैं, हम लोग बदमाश लगते हैं हम भाइया तो बदमाश तेरी चोर भी तेरी अच्छा भी तेरी बुरा भी तेरी सही बात है ना। जंतर मंतर वैसे मेरे घर के पास है, फिर भी आप जाओ तो छोटी चौपड़ से जाना, छोटी चौपड़ से बिल्कुल पास में पड़ता है, किसी से पूछ लो ना कोई बता दे जंतर मंतर, और अपने घर के पास से देख लेना कैसे गए आप। देख रहे हो वहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और ये है सिटी पैलेस। इस आदमी को जानते हो, बड़ा खतरनाक आदमी है हाँ। क्या ये जंतर मंतर का टिकट टाइम लिखा हुआ है इंडियन का कितना का चार्ज जल्दी लो तुम तो 50 रुपये का ये रहा 50 रुपये ये अपने मैम टिकट ले रहे हैं लो 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 चार्ज 200 रुपये 200 रुपये कुछ कम बत्ती फिक्स है। मंदिर एंट्री कर चुके हैं और ये सर हमें मिले हैं गाइड। सर आपका नाम राकेश योगी। राकेश योगी जी हमें सब कुछ बताएंगे जंतर मंतर में क्या, क्योंकि आप आओगे यहाँ पर आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी, गाइड बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते, चीजें ऐसी ऐसी हैं कुछ भी नहीं समझ पाओगे आप यहाँ पर, तो सर बताएंगे अपने। चलिए सर देखिए सर इसका नाम है जंतर मंतर इसका, और जंतर मंतर जो इस जगह का जो नाम है वो एक लोकल नाम है। अच्छा जंतर मंतर दिस इज अ लोकल नेम। ओके क्योंकि जंतर मीन्स क्या हो गया क्या इंस्ट्रूमेंट। ओके एंड मंत्र मीन्स हो गया कैलकुलेशन कैलकुलेशन, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन ठीक। तो इस जंतर मंतर को हमारे जयपुर के राजा ने बनाया था okay. जिनका नाम था सवई जय सिंह। राजा जो जय सिंह है मैडम वो खुद एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन टाउन प्लानर और गुड रूलर भी थे। राजा जय सिंह ने ऐसे जंतर मंत्र पूरे इंडिया में 5 जगह जंतर मंत्र बनाए, पूरे इंडिया के अंदर 5 जगह जंतर मंत्र। सबसे पहला जंतर मंत्र दिल्ली में बना हुआ है। अच्छा सेकेंड हो गया वाराणसी वाराणसी, थर्ड मथुरा मथुरा, फोर्थ उज्जैन ओके और फिफ्थ जयपुर ओके।
जयपुर का जंतर मंतर सबसे लास्ट में बनाया, सबसे बड़ा बनाया और आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। ओके। और ये बनाया था 1728 में, 1728 300 ईयर्स बैक। और चार जगह जो पहले जंतर मंत्र जो बनाए वो अनकम्प्लीट है। ओके। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पूरे बने हुए नहीं है जितने भी चार किया था ट्रायल। अच्छे अच्छे। तो वहाँ ट्रायल करते गए और यहाँ पे रियल बनाए। ओके ओके। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने बना हुआ देख रहे हैं आप, ये वाला हाँ। ये घड़ी बनी हुई है और ये टाइम बताएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। ये वाली पूरी घड़ी है। सो दिस इज अ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स नेम सन डायल। ओके। सन क्लॉक। ओके। ये कैसे टाइम बताएगा ये हम देखने के लिए वहाँ चल रहे हैं। ओके। तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको टाइम बताएंगे सर कि टाइम चल कैसे रहा है इसके अंदर और पूरा टाइम परफेक्ट बताएंगे। पूरा का पूरा एक क्लॉक बना हुआ है सन डायल जिसे आप टाइम देख सकते हैं। ओके। इधर जो वाइट मार्बल आप देख रहे हैं सर, हाँ, ये वाला सुबह का टाइम है। ये वाला अच्छा मॉर्निंग। ओके। इधर कौन सा टाइम हो गया इवनिंग। इवनिंग। बीच में दीवार बना हुआ है। हाँ। इस दीवार की शैडो देखो वाइट मार्बल पे दिख रहा है। हाँ, जहाँ पे शैडो गिरेगा वो टाइम बता रहा है। ये देखो यहाँ पे स्केल बना हुआ है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है यानी एक बज गया। ओके। इधर दो इधर तीन बज गया। हाँ। अब तीन बज के ये है 5 मिनट का लाइन। हाँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38। अच्छा। तो ये घड़ी आपको टाइम बता रहा 3:38। ये हमें जो टाइम बता रहा है ये जयपुर का टाइम है। अच्छा। दिस इज अ लोकल टाइम। अच्छा, यही टाइम चल रहा है घड़ी में। बट अपने जो घड़ियों का जो टाइम है ना सर, हाँ। वो टाइम होगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। तो इंडिया के टाइम में और जयपुर के टाइम में क्या होगा, डिफरेंट होगा। कितने मिनट का डिफरेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है सर, देखो 40 मिनट। ओके। ओके। कितना हो गया सर, 38 + 40 + 40। तो ये 4:18 आपकी घड़ी का टाइम होना चाहिए, देखना जरा 4:18 सही है, करेक्ट एकदम। और ये सेकंड है, ये सेकंड भी है यहाँ पे। ये जो लाइन देख रहे हैं छोटी वाली लाइन, ये है 20 सेकंड की। अच्छा अच्छा। तो एवरी 20 सेकंड में शैडो क्या करेगा, किसके आगे आगे जाएगा। अच्छा, सुबह का टाइम देखना हो तो उधर मैंने बताया था ना मार्बल। हाँ, ये सुबह का बता रहे हो आप। ये सुबह का हो गया। हाँ, ये शाम का हो गया। रात का, रात का अलग है, रात का अलग है। ये जो है पूरी, ये सुबह से लेके शाम तक का टाइम दिखाएगी आपको। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं ये रात को काम करेगा 8 बजे। ओके। रात को 8 बजे आप यहाँ से, ये जो पॉइंट है ना सर, यहाँ नीचे बैठेंगे और यहाँ से सीधा स्ट्रेट स्काई में देखेंगे ना ऐसे, तो ये आपको ध्रुव तारा बताएगा। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। ओके ओके। और ध्रुव तारा कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ नॉर्थ। तो ये होगा नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट। तो ये क्या बन गया, कंपास। कंपास, ये कंपास हो गया डायरेक्शन देखने के लिए। ओके। तो रात को यहाँ से सीधा ध्रुव तारा देखा जा सकता है और ध्रुव तारा अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है। ठीक। मेरे को वो वाली चीज बहुत अच्छी लगी। कौन सी वाली, एग्जैक्ट टाइमिंग बता दिए। घड़ी है ये 24 घंटे का घड़ी है ये वाली। वो जो घड़ी मैंने आपको बताया था सर, हाँ। वो 12 घंटे का था। हुँ। मतलब सनराइज टू सनसेट। ओके, ओके। ये 24 आवर्स का है। ये रात को मून लाइट पे चलता है और डे में सनलाइट पे चलता है। अच्छा। इसके बीच में पाइप लगा हुआ दिख रहा है देखो। हाँ। पाइप की शैडो दिख रही है सर। हाँ। तो जहाँ पाइप का छाया गिरेगा ये टाइम बताएगा। ओके ओके। ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना मैडम। हाँ। तो ये हो गया कितना, 3:00, फिर हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये हो गया 41। हाँ। और 41 में कितना था सर, 38, 40, 40 है ना। तो हो गया 21 मिनट। ओके। देखिए मैडम 20-21 मिनट आपकी घड़ी का टाइम होना चाहिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है भाई। और ये घड़ी काम करेगा ओनली 6 महीने, 6 महीने बाद घड़ी बंद। 6 महीने बाद घड़ी बंद। यस, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो अर्थ जब घूमेगा तो सन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा। तो 6 महीने बाद इसके पीछे वाला घड़ी काम करेगा। जिन घड़ियों के कुछ नाम वगैरह, ये हो गया आपका विंटर क्लॉक। विंटर क्लॉक। पीछे वाला हो गया समर क्लॉक। समर क्लॉक। अच्छा, वो समर क्लॉक है, विंटर क्लॉक है। ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा। वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
हिंदी में बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिण। ओके ओके, नारायण दक्षिण गोला, ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये नाम भी लिखा हुआ है, बताया ना गोला, दक्षिणी गोला, ये उत्तरी गोला, और ये हो गया आपका उत्तरी गोला। ओके ओके, यहाँ पे देखो सन का लाइट नहीं है और 6 महीने तक यहाँ पे सन का लाइट नहीं आएगा, रोटेट होगी जब आएगा। अब ये चलेगा 21 मार्च को 21 मार्च को 21 मार्च को क्या होगा, रात और दिन बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। तो ये चलेगा 21 मार्च से लेके और 23 सितंबर तक। ओके, फिर सितंबर के बाद उधर चला जाएगा। अच्छा मैडम, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यंत्रराज। यंत्रराज, ये जो यंत्र जो बना हुआ है ये रात को वर्किंग करता है। अच्छा, रात को स्पेशल परमिशन लेकर अच्छा इसको देखा भी जा सकता है, रात को ही देखना पड़ेगा आने के लिए, ये तो दिन में ही, क्योंकि ये रात को क्या दिखाएगा, आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र होते ना, स्टार एंड प्लैनेट, उनका नाम डिग्री और पोजीशन बता सकता है, सब बता देगा बिल्कुल। अरे वाह, ये देखो इस पे नाम भी लिखे हुए हैं मैडम, जहाँ मेरी उंगली की परछाई दिख रही है, देखो शर्ट दिख रहा है मैडम, ये देखो यहाँ नाम लिखे हुए हैं, है ना, इस पे देखो सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा सर, ये सर्कल हो गया 360 डिग्री का। अच्छा, बीच में जो लाइन देख रहे हैं बारीक बारीक लाइनें, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं। ऊपर जो पॉइंट लगा हुआ दिख रहा है सर, ये वाला बीच का, हाँ वो नॉर्थ पोल है जहाँ से लाइनें शुरू हो रही है, नीचे साउथ पोल, और बीच में जो होल है ना वो इक्वेटर लाइन है, यानी भूमध्य रेखा जो अर्थ को दो भागों में बांटती है। अब रात को क्या करेंगे मैडम, इस पर टेलीस्कोप लगाया जाएगा, ये जो होल है ना इस होल पे क्या लगा दिया जाएगा, टेलीस्कोप का एक मुंह तो ऊपर होगा और एक मुंह, फिर टेलीस्कोप को धीरे धीरे क्या करेंगे, रोटेट कर दो, घुमा दो राइट, और फिर टेलीस्कोप से देखो आप सीधा स्काई में, तो टेलीस्कोप से जो भी तारा दिखेगा ना आगे उसका नाम आ जाएगा, ये आप किस स्टार को देख रहे हैं, और वो इसका रफ है मैडम, पहले रफ बनाया बाद में। अच्छे अच्छे, तो ट्रायल है ठीक, आइए सर। इतना कुछ बता रहे हैं, मतलब यहाँ कोई आएगा तो गाइड लेना पड़ेगा आपको, गाइड बिना यहाँ पर आपको कुछ भी काम नहीं, क्योंकि आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, बिना गाइड के तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए गाइड बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे क्या, फिर तो आओ घूमो पत्थरे देखो चले जाओ। नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जय प्रकाश यंत्र, जय मीन्स राजा जय सिंह, प्रकाश मीन्स सनलाइट, यंत्रा मीन्स इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए पार्ट बी, उधर बैक साइड में ये पार्ट बी है, पार्ट ए में आप जो मिसिंग मार्बल देख रहे हैं, मिसिंग मार्बल, तो इसका बीच का जो मिसिंग मार्बल है ना सर, वो पार्ट बी में है। अच्छा, पार्ट बी का मिसिंग मार्बल पार्ट ए में है। ओके, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लोब, ग्लोब, तो ये पूरा पृथ्वी का गोला बन जाएगा। ओके ओके, अब ये क्या बताएगा, ये राशि बताएगा मैडम। अच्छा, ये राशि बताएगा कि अभी सूर्य किस राशि में प्रवेश करेगा। ओके, राशि कितनी होगी, 12 और 12 महीने। अच्छा, तो एक महीने का एक राशि, 12 महीने का 12 राशि। अब राशि कैसा देखेंगे, ये सेंटर में देखो ये मेटल का प्लेट लगा हुआ दिख रहा है, इसको सन माना गया है, पोजीशन ऑफ सन। इसका शैडो देखो मार्बल पे गिरा हुआ देखो पूरा, और वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मीन राशि, मीन मतलब हो गया पाइसिस। ओके, तो अभी सूर्य मीन राशि में चल रहा है, मीन राशि में चल रहा है सूर्य अभी, और मीन राशि है ना सर ये स्टार्ट हुआ आज, क्योंकि आज है 21 फरवरी, तो ये मतलब राशि के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बिल्कुल, 21 फरवरी को मीन राशि आई, अब चलेगी 21 फरवरी से लेके 21 मार्च, मार्च एक महीना, तो 21 मार्च तक जितने भी बच्चों का जन्म होगा उसका राशि क्या होगा, मीन राशि, मीन राशि होगा। ओके सर, और जब इस प्लेट की पोजीशन चेंज कब करेगा सर, ये मैडम प्लेट की परछाई सुबह कहाँ मिलेगी आपको, उधर। अच्छा, शाम को कहाँ मिलेगी, उधर, बट रहेगी कौन सी लाइन पे, मीन में, मीन राशि की। ओके, और हर रोज ये परछाई है ना मैडम, ये थोड़ा थोड़ा खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी नीचे, ताकि अगले महीने राशि
चेंज हो जाएगी। ठीक, सूर्य किसी और राशि में प्रवेश कर जाएगा। और जब इस प्लेट की परछाई दिख रही है हाँ, वो मार्बल के नीचे चली गई तो मिसिंग मार्बल में चली गई तो क्या होगा? उधर काम करेगा क्योंकि यहाँ का मिसिंग मार्बल का है वहाँ पर, और जब उधर मिसिंग में आ गया तो यहाँ काम करेगा। तो एक घंटा ये चलेगा, एक घंटा वो चलेगा। ओके, बट राशि दोनों में सेम होगी। ये भी सी है था यार। बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये उसी का बड़ा पार्ट है जो मैंने आपको सबसे पहले एक घड़ी बताई थी वहाँ टाइम देखने वाली और वो घड़ी हमें टाइम बताता है लीज काउंट 20 सेकंड। ओके, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट को 3 में डिवाइड कर, तो मैंने कहा था एवरी 20 सेकंड में शेडो मूव करेगी। इसका एक्यूरेसी 2 सेकंड। अच्छा, 2 सेकंड है। हाँ, क्योंकि ये उसका 10 गुना बड़ा है। तो जितना बड़ा बनाएंगे ना हाँ, उतना एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ठीक। ये ऊपर देखिए मैडम, दीवार बना हुआ दिख रहा होगा बड़ा वाला। हाँ, इस दीवार की परछाई देखो मार्बल पे दिख रही है ना अंदर। हाँ, विंडो में से दिख रहा है। हाँ, दिख रही है। वो शेडो जो दिख रही है ना वो 2 सेकंड में चलेगी। हर दो सेकंड में जो अपनी ये चलती है, हर सेकंड चलती है, 1 सेकंड में चलती है, वो 2 सेकंड में चलती है, वो 20 सेकंड में चलती है। ओके, तो एक्यूरेसी 20 सेकंड, एक्यूरेसी 2 सेकंड। ओके, क्यों? क्योंकि बड़ा बना, बड़ा हुआ। इधर ये राशियां बनी हुई है मैम, ये 12 महीने की 12 राशियों के 12 घर बने हुए हैं। 12 राशियों के 12 जोडियक साइन है। ओके, सबके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। और ये जो 12 राशियां जो बनी हुई हैं, ये जन्म पत्री बनाने में काम आता है, यू नो, कुंडली। ओके, और कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ से क्या देखा अपन ने? राशि देखी। तो पहले राशि डिसाइड करो किस राशि में उस बच्चे का जन्म हुआ है, फिर वहाँ से राशि मालूम करके इधर आओ, फिर यहाँ पे क्या देखो? टाइम, कितने बजे उस बच्चे का जन्म हुआ है। और टाइम से क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगा। ये डिग्री बताएगा कि सूरज कितने डिग्री पे था जब उस बच्चे का जन्म हुआ। ये देखो, यहाँ पे देखो शैडो आ रही है। हाँ, ये लिखा हुआ है कितना? 150, 150, राइट? या 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। हाँ, तो ये हो गया 157 डिग्री पे अभी मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ। अब हमको वापस वहाँ पे जाना है, वो जो रात वाला यंत्र बता था ना, हाँ, पीतल का, हाँ, उस पे क्या लगाना था? टेलीस्कोप। कितना डिग्री घुमाना है? 157 डिग्री। अच्छा भाई, जितने डिग्री पे बच्चे का जन्म हुआ ना मैडम, उतने डिग्री पे क्या घुमाना है? टेलिस्कोप। फिर वो क्या बताएगा? ग्रह बताएगा, बताएगा किस ग्रह नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ। तो ऐसे ये सब राशियों के एंगल दिए हुए हैं, जिस राशि में बच्चे का जन्म होगा उसी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक, और वहाँ पे डिग्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसी डिग्री पे फिर टेलीस्कोप लगाया जाएगा जिससे उस बच्चे का नक्षत्र और ग्रह मिल सके, ठीक। जो आप बना हुआ देख रहे हैं ये उसका रफ मॉडल है जो हमने आपको राशि वाला यंत्र बताया था, जिससे हमने राशि कैलकुलेट की थी ना कि भाई सूर्य किस राशि में चल रहा है। तो उस यंत्र को बनाने से पहले उसका क्या बनाया? मॉडल। तो अच्छा, पहले ये रफ बनाया, बाद में इसी को कट करके वहाँ 2 में डिवाइड किया। ओके। ये सैंपल है, ये बीच में जो रिंग लगा हुआ दिखता है, 2 रिंग, ये रिंग पहले घूमता था। अच्छा, इसको घुमा दो सन की तरफ, फिर ये बताएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब यानी कि अपना अर्थ है ना सर, हाँ, वो कितना डिग्री टिल्ट हो चुका है। ओके। नॉर्थ में हो गया है या साउथ में हो गया, समर चल रहा है या विंटर चल रहा है, तो ये अर्थ की पोजीशन बताता रहता है। ओके। बट अभी इसको ताला लगा दिया है, ये घूम नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग बैठ के झूला झूलते थे, इसलिए ताला लगा दिया। ठीक है। लिखा हुआ सबके आगे यंत्र, ये संस्कृत लैंग्वेज है। ओके, इसका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, रामा यंत्र ए कॉम्प्लीमेंट्री टू पार्ट वी वोरा। यानी कि यहाँ का मिसिंग मार्बल का आधा वहाँ पर और वहाँ का मिसिंग यहाँ पर। अब ये क्या बताएगा आपको? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हो गया हाइट, अबाउ द होराइजन, कि सन कितना
ऊपर आ चुका है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एजीमूथ, यानी कि रोटेशन, ओके, कि अर्थ कितना डिग्री घूम रहा है। ओके, तो ये दो चीजें बता सकता है, सन कितना ऊपर है और अर्थ कितना डिग्री घूम चुका है। अर्थ, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ का एक रोटेशन पूरा हो जाता है। तो हम देखते हैं, तो आपके लिए इसके लिए अंदर चलना पड़ेगा। लो अंदर, तो आप लोग इधर आइए, अंदर आइए सर। ये बीच में पाइप लगा हुआ है मैडम, पाइप की परछाई देखो वो रहा। हाँ जी। और पाइप की जो परछाई दिख रही है सर, हाँ, उसके नीचे कुछ हिंदी में कुछ लिखा हुआ है काले अक्षरों में, इधर लाइन में जो है ना, इसकी 25 डिग्री लिखा हुआ है। हाँ। नीचे देखो 30 लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। 30 दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये देखो, ये ना 30 है ना, दिख गया 30 दिख रहा है मैडम। फिर 30 में से 5 कम कर दो, कितना हो गया 25, और 25 में से भी 2 लाइन कम कर दो, देखो ऊपर एक दो लाइन, तो हो गया 23 डिग्री। तो अभी जो सन है, अभी सन कितना डिग्री ऊपर है? 23 डिग्री। अब मान लो सन ऊपर आ जाए, तो शैडो नीचे, तो नीचे हो जाएगा 25, राइट? ओके, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये देखो लिखा हुआ सर, 50, ओके, यहाँ 50 हो रहा है, 60, 65, 70 है ना, और राइट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, और वो होता है 12 बजे। अच्छा, जब सन ऊपर होगा बीच में इसके, करेक्ट, 12 o'clock। 12 बजे सन ऊपर आ जाएगा, शैडो कितने डिग्री पे आ जाएगा? 90 डिग्री पे। बट ऐसा होता नहीं है, ये परछाई है ना, यहाँ तक नहीं आ सकती। अच्छा। क्यों? क्योंकि जयपुर इक्वेटर लाइन पे नहीं है। इक्वेटर लाइन जाता है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट, और जयपुर है नॉर्थ में, नॉर्थ में 27 डिग्री पे। तो 90 में से क्या करो, 90 में से क्या करो, माइनस 27, क्योंकि जयपुर 27 डिग्री ऊपर है ना। हाँ। तो फिर 90 में से क्या कर दो, 27 डिग्री माइनस कर दो, तो आ गया 63 मैक्सिमम। हाँ। तो ये हो जाएगा 61, 62 और 3। हाँ। ये परछाई है ना मैडम, यही आके रुक जाएगी। अच्छा, तो ये जयपुर का क्या बता गया, लैटिट्यूड बता गया, कि जयपुर इक्वेटर लाइन से कितना ऊपर है। ओके, है ना, समझ गया। भाई ये तो अपन को पता है ना कि हर जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है, अलग अलग, तो कहीं भी किसी भी जगह का अपन को लैटिट्यूड देखना हो ना, तो ऐसा बीच में पाइप गाड़ दो, छत पे जाओ, छत पे जाके पाइप लगा दो, तो ठीक 12 बजे उस पाइप की शैडो को देखो। अच्छा। वो जहाँ पे आ रही है, वो उस जगह का क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। और मान लो वो पाइप की शैडो बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल नीचे आ गई, इसका मतलब वो जगह किस लाइन पे है, इक्वेटर लाइन पे। बट इंडिया इक्वेटर लाइन पे नहीं है। अगर 1 घंटे बाद ये काम करेगा, ये अभी वो काम कर रहा था, वो बंद हो जाएगा, तो ये करेगा। और इन दोनों का ये मॉडल है, ये ट्रायल रफ लाइक फिर बनाया उसके बाद। ये रफ मॉडल है, ये उसका रफ मॉडल है। किसका? जो आपको मैंने वो घड़ी बताई थी ना, 24 घंटे वाली, जो 6 महीने नॉर्थ में काम करती है, 6 महीने साउथ में। ओके। तो वहाँ पे 2 घड़ियाँ बनी हुई देखी थी आपने। हाँ। जो सीजन के हिसाब से वर्किंग करती है, ये उन्हीं में से एक रफ मॉडल है। रफ है ये भी। तो हर चीज का राजा जयसिंह ने पहले रफ बनाया। हाँ। और बाद में फाइनल बनाया। ओके। और ये एस्ट्रोनॉमी भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है। ये ईस्टर्न भी है और वेस्टर्न भी है। क्यों? क्योंकि ये सन पे भी चलता है और मून पे भी चलता है। तो ये था आपका जंतर और मंतर, दैट्स ऑल। तो जंतर मंतर राम कैसे पढ़ा ये, इसी वजह से पूरा जंतर मंतर एक क्या है कि संस्कृत लैंग्वेज है। जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट, यानी यंत्र बोल दो। ओके। हिंदी में हो गया यंत्र। ओके। और मंत्र का मतलब क्या हो गया, गणना करना। अच्छा अच्छा। इंग्लिश में हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन। ठीक, जंतर मंतर, थैंक यू।
जो सर आए थे उन्होंने यहाँ तक तो आए नहीं थे, हम यहाँ आए हैं। तो ये भी एक घड़ी है, ये बड़ी वाली घड़ी है पूरी की पूरी। इसमें 2 सेकंड का फर्क होता है, बस इसमें 2 सेकंड का फर्क है, जैसे अपने चलता है ना पर सेकंड, इसमें 2 सेकंड चलता है उस वाली घड़ी में। ये देखिए मेरी फोटो यहाँ पर खींचो, ये देखो कितनी सही है। तो होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो और आपने सारी चीज़ें देख ली कैसे कैसे क्या क्या है। तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई आता रहेगा, यूं ही छाता रहेगा। जयपुर का लौंडा।